तो हेलो दोस्तों दोस्तों आप देखेंगे, यहाँ देखिए हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, ये भर गया है और इसमें पानी लीकेज हो रहा है बम्पर तरीके से। ये देखिए कितना पानी निकल रहा है। अगर इस स्पीड से पानी निकला रहे तो ये टैंक खाली कर देगा 1 घंटे में 2000 लीटर का। तो दोस्तों ये लीकेज क्यों हो रहा है और इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखिए आपके सामने इसको रिपेयर करूंगा, तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि सिस्टम में अगर पानी लीकेज कर रहा है तो किन किन कारणों से करता है और क्यों करता है, तो उसको सामने आपके रिपेयर करूंगा सिंगल हैंड से। दोस्तों मैंने एक हाथ मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से रिपेयर करूंगा। तो जब आप रिपेयर करेंगे तो आप दो हाथों से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले बार आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों वैसे मैं सिस्टम में मैंने 2-3 वीडियो और डाल रखी है, जो मैं इसमें मेरा छूट जाएगा तो शायद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों आप अभी देख रहे हैं, देखिए हमारा इसमें पानी आ रहा है, ठीक है, और हमारा देखिए पानी कहाँ से आ रहा है, यहाँ से देखिए। यहाँ से हमारा पानी जा रहा है। तो जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए दोस्तों, तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, देखिए हमारा भी मैंने ये उठाया था, देखिए ये वाल्व भी बंद हो गया है, ये थोड़ा सा जाम चल रहा है दोस्तों। अभी देखिए पानी बंद, अभी पानी हल्का हल्का इसमें भरा हुआ है, अभी देखिए पहले से कम हो गया दोस्तों। तो दोस्तों हमारा प्रॉब्लम किस में, देखिए प्रॉब्लम हमारे है इस वाल्व में। तो इस वाल्व को हमने खोलना है दोस्तों, इसकी हम सफाई करेंगे, आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें एक क्लिप है, इस क्लिप को आप निकाल लेना है, इस क्लिप को आप ऐसे बाहर को प्रेस करेंगे तो क्लिप निकल जाती है। ये देखिए मैं एक हाथ से निकाल रहा हूँ दोस्तों, तो आप दो हाथ से निकाल सकते हैं। वॉलकॉक का डिज़ाइन दोस्तों अलग अलग हो सकता है, लेकिन अंदर से जो इसका मशीनरी होती है वो सब सेम ही होती है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों निकाल दिया हमने, ये देखिए। इसके बाद हम इसका पानी बंद कर देते हैं नीचे से, ये हमने पानी बंद कर दिया है। इसको हम हल्का सा ऐसे हल्का सा इधर को करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए लॉक बना हुआ है, ठीक है, ये लॉक बने हुए हैं, लॉक से हम इसको ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए, ठीक है, यहाँ आपने इसमें कुछ नहीं करना है, इसकी सफाई कर देंगे। देखिए आप देख रहे होंगे इसमें चूना जम गया है पूरा, तो ये हल्का चूना लगता है, लेकिन ये हल्के चूने से ये काफ़ी काम इसमें ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए थोड़े से मैं साफ हो जाता है दोस्तों, इसके लिए आपने करना कुछ नहीं है, ठीक है। उसी बात से इसको हम लगा देते हैं। अब पानी लीकेज होने के और कारण भी होते हैं, इसके बाद बताऊंगा। पहले आपने इसको रिपेयर कर लेना है, उसके बाद से इसको हम लगा लेते हैं। इसको आप ऐसे नीचे को दबाएंगे तो ये लग जाता है। देखिए दोस्तों मैं सिंगल हाथ से कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए ये, उसके बाद से इसको आपने घुमा के लॉक कर देना है। ये देखिए लॉक हो गया हमारा, ठीक। उसके बाद से जो ये वाला एरिया दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा चूना लगा है, इसको भी आपने साफ कर लेना है, ठीक है, ये आपने साफ कर लिया। इसके बाद से हम अपना वॉलकॉक लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने सिंगल हैंड किया है दोस्तों, देखिए आप दो हाथों से भी कर सकते हैं। और उसके बाद से दोस्तों देखिए जो यहाँ होता है ना आपका, ये जो पाइप होता है, इसमें भी यहाँ चूना जम जाता है, जिससे ये आपका बॉल कॉक जो पानी भरता है ना ऊपर को आने में थोड़ी दिक्कत करता है, फंस जाता है। तो यहाँ भी आपने पूरा जो ये पाइप है ना वाइट वाला, इसमें भी आपने चूना जितने से में आपका बॉल कॉक चल रहा है इसका साफ कर लेना है, ठीक है। अभी स्मूथ चल रहा है, ये देखिए इसको भी आपने चेक कर लेना है। अब हम करते हैं पानी ऑन, ये देखिए दोस्तों अभी हमारा पानी बंद हो गया, ये देखिए। एक बार इसका फ्लैश करते हैं हम, पूरा खाली कर दिया है इसका एक, ये
ये इसका लॉक लॉक यहाँ पर लग जाएगा। लेकिन जैसे पानी यहाँ से आ रहा है ना, इस पानी ने यहाँ से नहीं आना चाहिए। इसको हम ठीक से लगाएंगे, ये ठीक से लगा नहीं है। इसको आपने ठीक से दबा लेना है, ठीक है। अभी देखिए, अब नीचे आपका पानी प्रॉपर आने लगा है, ठीक है। इसमें डालते हैं उसको हम थोड़ा सा हल्का पानी अलग से और, ताकि जल्दी भर जाए ना। तो देखते, ये देखिए हमारा भरने वाला है। अभी हमने एक्स्ट्रा पानी भी बोला तो जल्दी भरने के लिए ना। जब ये भर जाएगा तो उसके बाद से बताऊँगा दोस्तों, अभी जो हमारी प्रॉब्लम थी ना, हमारे इस वाले पाइप से, आप देखते इस वाले पाइप से हमारा पानी अंदर जाता था, जिससे अंदर लीकेज कर रहा था। और कभी भी आता है इस वाले पाइप से, ये पाइप यहाँ तक पानी आता भी नहीं है, हमारा लीकेज करता है, तो उसमें काम क्या रहता है। दोस्तों ये देखिए, अभी ना हमारा देखिए भरने वाला है। देखिए हमारी अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए हमारा बॉल को ऊपर को नहीं उठ रहा है। ये हमने हाथ से हल्का सा इसको प्रेस किया तब उठ रहा है। देखो देखा आपने ये, तो इस कंडीशन में क्या आप करना, आपने थोड़ा सा इसको ना ऐसे कस लेना है ऐसे, ठीक है। ये आपने कस लिया, अब ऐसी प्रॉब्लम हमारी नहीं आएगी। देखिए ठीक है, अभी हमारा इस लेवल तक जितना पानी था वो चले जाएगा, उसके बाद से बंद हो जाएगा हमारा पानी गिरना। अभी आप देख रहे होंगे ना, यहाँ से पानी आना बंद हो गया, ठीक है। तो ये पानी आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ से। तो दोस्तों कभी भी क्या होता है ना, आपका पानी यहाँ से नहीं जा रहा होता है, या आपका पानी देखिए इसकी ये टॉप है इससे काफ़ी नीचे तक होता है, और फिर भी आपका पानी लीकेज हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने इसको खोल देना है, इसको खोलना है। इसको साइफन कहते हैं दोस्तों, इसको साइफन कहते हैं, इसको आपने खोलना है। ये ऐसे खोल जाता है, ठीक है। इसको खोलने के बाद आपने देखिए इसमें जो चूना, ये हल्का चूना जिसमें अभी हल्का चूना दिख रहा है, इसमें इस चूने को आपने साफ कर देना है ना। ये देखिए इस चूने को आपने साफ कर लेना है। अभी मैं साफ करके आपको दिखाता हूँ, ऐसे हाथ से रख लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे से निकल जाता है, ये इस चूने को आपने साफ कर लेना है। इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए ये साफ हो गया है, इसमें हल्का हल्का जो है इसको आप निकाल देंगे, ये सब निकल जाएगा। इसके बाद से आपने इसको लगा देना है, ठीक है। अभी हमारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है नहीं। ऐसे करके आप इसको ऐसे लगा देंगे, ठीक है। और ये अब आराम से चलेगा हमारा, और ये ऐसे पानी बंद हो जाएगा। देखिए तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो उसके बाद से आप कमेंट कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में क्या दिक्कत हो रही है, और उसमें आपसे क्या नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको बताऊँगा कि आपने कैसे सही करना है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो मेरा नंबर है वहाँ पर, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं शाम को 7 से 10 कभी भी। तो कल मिलते हैं दोस्तों ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।